मैं डॉक्टर नसीम अहमद, HOD मैथमेटिक्स, PKRM कॉलेज धनबाद। और आज हम लोग चाह रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन देंगे हायर मैथमेटिक्स पर। तो हम चाह रहे थे, मैथमेटिक्स तो बहुत बहुत बड़ा, बहुत वाइड सब्जेक्ट है, इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर कुछ बात करना चाहते हैं। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप कहें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 50% मैथमेटिक्स में ही इसका यूज होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये दो चीज जो है बहुत अप्लाइड मैथमेटिक्स में, न्यूमेरिकल एनालिसिस। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में इसका बेस क्लियर करना चाहिए कि ये है क्या चीज। जैसे हम लोग इक्वेशन जानते हैं, जब हम लोग छोटे थे शुरू प्रिलिमिनरी स्टडीज में इक्वेशन हम लोग सीखते, तो इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन और इन इक्वेशन। उससे इसके आगे जो पढ़े तो डिफरेंशियल इक्वेशन, इन इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है कि एक तरफ इक्वालिटी साइन होता है, इसके दो साइड होते हैं, एक तरफ वेरिएबल होता है, एक तरफ कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग इक्वेशन एकदम सिंपलेस्ट इक्वेशन कहेंगे। अगर इसी के जगह में अगर लेस देन इक्वल टू हो जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, इसको इन इक्वेशन कहेंगे। अब इसी में ये एक वेरिएबल का, जैसे हम लोग कहें यहाँ पर दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन AX + BY इक्वल टू सी, तो हम लोग कहेंगे लीनियर सब के एक डिग्री है वेरिएबल का, एक्स और वाई वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, ABC कॉन्स्टेंट के लिए यूज करते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। अब इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखे AdX + BDY इक्वल टू सी, तो हम लोग कहेंगे ये हो गया लीनियर इक्वेशन और ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सिंपल। और इसको हम लोग कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हर वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर मौजूद हो उस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हम लोगों को समझने की चीज है कि डिफरेंशियल, डिफरेंशिएटेड, स्मॉलेस्ट डिफरेंशियल वर्ड आया है डिफरेंशियल। ये जैसे हम लोग इसके आगे दो चीज पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, तो डिफरेंशियल का मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल चीज का कैलकुलेशन को डिफरेंशियल कैलकुलस। जैसे इसको हम समझने के लिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तीन चीज है ना, तीन नोटेशन है, डी है, डी स्टैंड फॉर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डेल्टा स्टैंड फॉर इंक्रीमेंट और डेल स्टैंड फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स इज ट्रीटेड एज dx, एलिमेंट एक्स के डायरेक्शन में स्मॉलेस्ट जो चीज है, जैसे इस यहां से यहां तक अगर एक्स है, उसको हम लोग एक्स का है, तो इस मोटाई को, एक बिंदु की जो मोटाई हुई तो उसको हम लोग dx बोले। उसी डायरेक्शन में स्मॉलेस्ट एंड एन एलिमेंट इज ट्रीटेड एज dx, d into x नहीं, dx इकट्ठा है, smallest, इसको element बोलते हैं, element along x, x के along में जो element होगा छोटा पॉसिबल उसको dx बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कोई इक्वेशन में जितने वेरिएबल हैं उनका d भी मौजूद है, डिफरेंशियल कोफिशियंट भी मौजूद है, d stands for differential coefficient, तो उस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ सॉल्यूशन, जैसे हम लोग 8, 9, 10 क्लास से हम लोग इक्वेशन देख रहे हैं, तो किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन जैसे मान लीजिए AX² + BX + C, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो डिग्री का एक वेरिएबल में इक्वेशन, एक्स वेरिएबल में। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन से हम ये समझते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू और वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई इट्स ओन इक्वेशन, उसको रख देने को अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले, जैसे फॉर एग्जाम्पल। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का अलग मीनिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का अलग मीनिंग। यहां पर हम लोग कह रहे हैं
ये डिफरेंशियल ऑर्डिनरी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक वेरिएबल में दो डिग्री का इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि इसका मान x का मान कांस्टेंट के फॉर्म में हो, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, मे बी यूनिवर्सल मे नॉट बी, इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट विच सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन, विच सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये दो डिग्री का एक वेरिएबल में एक इक्वेशन है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये हो गया इक्वल टू जीरो, फैक्टराइज कर दिए, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या है जनरल भाग, कि दो चीज़ का प्रोडक्ट जीरो है तो जनरलाइज जनरल में क्या दोनों को जीरो मानेंगे, जीरो इंटू जीरो जीरो होता है। तो यहाँ से हम लोग का एक्स का मान टू आ गया और एक्स का मान वन आ गया, दो माना है, दो जितना डिग्री का इक्वेशन होगा उतना मान होगा। अब अगर हम इस इक्वेशन का कोई भी मान जैसे वन पुट करते हैं तो क्या हो गया, वन का स्क्वायर और प्लस टू, वन ही हो गया, थ्री हो गया, माइनस थ्री, थ्री इंटू वन जीरो हो गया। टू भी डाल के देखते हैं तो टू का स्क्वायर फोर हो गया, अब प्लस टू सिक्स माइनस सिक्स, है ना, सेटिस्फाई कर रहा। तो ये इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन को हम लोग रूट भी बोलते हैं, दीज आर द सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं उस इक्वेशन का। अब यहाँ लेकिन हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा बेस है, शुरू से जो हम लोग सीखते आए हैं ऑर्डिनरी इक्वेशन, अब इसी का हम लोग डिफरेंशियल पार्ट की बात करते हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एकदम बेसिक बात। जब ये सब कंसेप्ट क्लियर होगा तो हमको आगे बढ़ने में आसानी होगी। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर हम लोग बोले तो ऑर्डिनरी इक्वेशन का सॉल्यूशन में दो बातें, कि वेरिएबल का मान कांस्टेंट के रूप में आए और वो कांस्टेंट जो है अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना, उसको डाल देने पे उसका आरएचएस मिल जाए, लेफ्ट साइड में अगर उसको डाल दें तो उसका राइट साइड मिल जाए। यहाँ पर लेकिन दूसरा तरह से, यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं है, यहाँ हम लोग कहते हैं कि ए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ऑब्टेंड बाय रिमूविंग इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, रिमूविंग इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दिस कैन बी डन बाय मीन्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसको कैसे आएगा, दिस कैन बी डन बाय मीन्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए वहां पर हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्डिनरी इक्वेशन का सॉल्यूशन में कि वेरिएबल का मान कांस्टेंट के रूप में आए और वह कांस्टेंट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम लोग उसको कहते थे कि ये सॉल्यूशन हुआ। लेकिन यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या कहेंगे कि डी हटा देने पर, इक्वेशन से अगर डी रिमूव कर दें तो हमको विदाउट डी एक रिलेशन मिलेगा, उसी को हम सॉल्यूशन कहेंगे। जब तक डी मौजूद होगा सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, हम अपने सहूलत के लिए समझाने के लिए ऐसा छोटा सा एग्जाम्पल लिए, तो इसको हम लोग कह रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज देर आर टू वेरिएबल्स, है ना, एंड देर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज आल्सो प्रेजेंट। तो यहाँ पे इसको हम हटाना चाहते हैं, तो इसको हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू
हम लोग जानते हैं प्लस वाई स्क्वायर बाई टू जीरो बाय जीरो अपना से कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देते हैं, है ना। जो डिस्प्यूट है उससे ओवरकम होने के लिए कॉन्स्टेंट देता है, इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज सॉल्यूशन ऑफ, है ना, जीरो जोड़ेंगे सी में तो सी ही रह गया। हमने ये कह रहे थे कि ये दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी इक्वेशन कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू वन। मैंने यहाँ पर हम लोग का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तब होगा जब उसमें से पूरा पूरी डी हट जाए, डिफरेंशियल पार्ट हट जाए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हट जाए। उसको हटाने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन को हम लोग रनिंग हैंड का ये आई है इंटीग्रेशन, है ना, दो ही चीज़ है पूरे कैलकुलस में, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसके इसका ये इक्विवेलेंट है वन बाई डी, डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन। और ये इसको अगर हम दोनों को क्रॉस कर दें, अप्लाई कर दें, ये यूनिट में एक दूसरे का न्यूट्रलाइज कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि डी ऑफ साइन एक्स, डी ऑफ साइन एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे थे कॉस एक्स हो गया, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ डिवीजन होता है, यहाँ इंटीग्रेशन में इन टू हो जाएगा, दोनों तरफ हम लोग ये लगा दिए तो देखिए क्या हो जाएगा, डी एक्स डी एक्स हट जाएगा, डी और इंटीग्रेशन हट गया तो साइन एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया कॉस एक्स डी एक्स। ये पूरा कॉन्सेप्ट यही है, पूरा कॉन्सेप्ट यही है, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, दोनों से मिलके बना है, डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस दोनों का इसमें यूज होता है। तो यहां पर हम लोग ये कह रहे थे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब इसी में फिर हम लोग के पास जो इसका आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसका बहुत इस्तेमाल है कि ऑर्डर एंड डिग्री, इसी पे हम लोग बांटेंगे कि हम लोग बीएससी में यहाँ पर पढ़ेंगे, आईएससी में इस तरह का ऑर्डर का पढ़ेंगे, है ना, एमएससी में इससे आगे पढ़ेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हर 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 सेमेस्टर में पढ़ना है और हर लेवल में पढ़ना है। ऑर्डर इस उसको बांट दिए इस तरह से, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर इसी के हिसाब से हम लोग बांटेंगे पूरा सिलेबस। तो यहां पर हम लोग जैसे ऑर्डर एंड डिग्री, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग इसका ऑर्डर के बारे में कहते हैं कि द हाईएस्ट टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। डिफरेंशिएशन इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एंड पावर, पावर मीन्स डिग्री, पावर ऑफ ऑर्डर टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए फॉर एग्जांपल कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फिर प्लस डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, डिफरेंशियल है वाई का, वाई फंक्शन ऑफ है, जो नीचे जाता है वो ऊपर वाला उसका फंक्शन होता है, प्लस एक्स वाई इक्वल टू डी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, डी मौजूद है, दो वेरिएबल है तो दोनों का कहीं ना कहीं डी है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं
इसको हम लोग थ्री कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे यहां से कि इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज थ्री एंड डिग्री इज वन, मैंने हाईएस्ट टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, तो कहते हैं ये तीन बार किया गया, ये दो बार हुआ तो इसको हम लोग नहीं सोचेंगे क्योंकि ये ज्यादा बार है, इसमें तीन टर्म है, दो टर्म डिफरेंशियल वाले हैं तो इसमें तीन बार इसका डिफरेंशिएशन है तो उस टर्म को ही पकड़ लेंगे, उसको जितना बार किया है वो उसका ऑर्डर होगा और उसका कोई डिग्री नहीं है कुछ नहीं, तो उसको हम वन सोच सकते हैं, इसका डिग्री वन है ना। तो इस तरह से हम लोग बांटे हैं। तो हम लोग जो है जैसे आईएससी में पढ़ते थे, आईएससी का सिलेबस में हम लोग कि मोस्ट सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे एक डिग्री एक ऑर्डर का। बीएससी में हम लोग ऑर्डर बढ़ाए है ना, सेमेस्टर वन में दो ऑर्डर का पढ़े, फिर उसका आगे बढ़े एनी ऑर्डर का, फिर पार्शियल डिफरेंशियल आगे बढ़ते जाएंगे। एमएससी में इसको चार पेपर में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये हम लोगों का बेसिक यहीं से आया, हम लोग जो बेसिक चीज है कि जो एलिमेंट्री रिजल्ट्स हैं उसको एलिमेंट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हम जानते हैं तो इंटीग्रेशन बहुत आसान। एलिमेंट्री फंक्शंस इसको हमको एकदम माने सीपीएम रखना होगा, कस्टम टू मेमोरी, मैंने एकदम गांठ बांध के रखना होगा ध्यान में दिमाग में कि हमको कहाँ से आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का छह रेशियो है, दो तीन चीजें हैं पी बी एच, इसको कहा जाए इसको कितना तरह से आप बदलो करके सजा सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इसका छह तरह से प्रमुख कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच, नब्बे के सामने वाले एच का तो ये एंगल को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो पी हो गया, ये ट्रायंगल एबीसी। तो कहते हैं कि छह तरह से, तो इस सबों का जैसे साइन थीटा हम लोग एक का नाम यूनो में डिसाइड हुआ ना कि इसको हम लोगों ने पी बाय एच को हम लोग साइन कहेंगे, बी बाय एच को कॉस कहेंगे, पी बाय बी को, अब फिर इसको उलटते जाएंगे, इसको टैन कहेंगे, ये कॉस हो गया, ये टैन हो गया, अब फिर इसको उलटना शुरू करेंगे, मैंने छह ही ऑप्शन है। एच बाय पी को हम लोग कहेंगे कॉस ए है ना, एच बाय बी को सेक कहेंगे, फिर बी बाय पी को उलट देंगे तो कॉट कहेंगे। इस तरह से आप सभी का हमको डिफ्रेंसिएशन जानना है, और जब सबका डिफरेंशिएशन जान तो उसको रिवर्स कर देंगे, सबका इंटीग्रेशन भी जान लें। अब हम लोग के पास एक बेसिक चीज है कि हम लोग ये जानते हैं कि डी एक्स बाई एक्स, इसको हम लोग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे, यही आता है बेस में। अगर इसी को हम लोग यहां से बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट देखिए, हम लोग यहां कहते हैं कि डी बाई डी एक्स जो फंक्शन है ना, डी बाई डी डी एक्स बाई एक्स, सॉरी डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू हम लोग लॉग एक्स देख रहे हैं ना, डिफ्रेंसिएशन से आया। अब इसी को हम लोग डी एक्स के जगह में एफ एक्स लिख रहे हैं है ना, यहाँ भी एफ एक्स लिख रहे हैं, यहाँ भी हम लोग एफ एक्स लिखेंगे, एक्स इज रिप्लेस्ड बाई एफ एक्स। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू अचीव इंटीग्रेशन, ठीक है। d बाई डी एक्स का है ना d ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो log x आता है। तो इसी तरह से कोई सा भी फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए हमको कुछ जानना चाहते हैं तो d बाई डी एक्स है ना, यहाँ हम लोग जो फंक्शन है जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर साइन x लिख रहे हैं तो यहाँ उसका साइन x का डिफ्रेंसिएशन हम ऊपर में लिख रहे हैं ना, तो यहाँ हम लोग साइन x लिखेंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे है ना, जो फंक्शन है d साइन का ऊपर में d देंगे तो यहां हम लोग कॉस कर देंगे, साइन का डी क्या कॉस एक्स। तो यहां से हम लोग कहेंगे, जैसे हम लोग यहां पर इसको आसान सा लेते हैं, एक आसान सा लेते हैं, जैसे यहां पर हम लोग टैन एक्स लेते हैं एग्जाम्पल, इजी शॉर्ट हैंड में इजी बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ई प्लस जैसे हम लोग यहां पर लेते हैं टैन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x dx, tan को अगर हम लोग t बोलते हैं इसका डिफरेंशिएशन, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग क्या कहेंगे log of tan x। ये हम लोगों के पास इस तरह का, मैंने हम लोगों को ये जैसे जो चीज ऊपर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे,
कि sec square x dx ना लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते थे d of tan x, हम इसको खोल दिए थे तो log of tan x। ये बहुत बड़ा मैंने मोस्टली रिजल्ट्स जो है जहां जहां हम लोग फंसते हैं इस रूल से निकाल लेते हैं, ओवरकम हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जबकि ये बहुत काम का चीज है। तो हम लोग आज इतना ही पे रखते हैं, फिर आगे हम लोग मिलेंगे। ये हेड साइन जो है हम लोग का ऑपरेशन ओवर का है, मैंने काम खत्म।